उमर ये सब क्लीन है, सब क्लीन की नेटवर्कल पोजीशन ये है कि इसका जो इंटीरियर नॉइज बॉर्डर है ना, सुपीरियर नॉइज बॉर्डर, सॉरी सुपीरियर नॉइज बॉर्डर, उसकी नॉज पे आपने रखनी है लेफ्ट हैंड की ये वाली फिंगर, और इसकी जो डायफ्रामेटिक सरफेस है उसको आपने रखना है थंब के साथ, और थोड़ा सा टिल करके पकड़ना है क्योंकि ये 45 का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ये 45 एंगल पर खड़ी होती है स्प्लीन का, ये वाला स्प्लीन का हाइलम है जहाँ पे टेल ऑफ पैंक्रियाज आती है, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम चल रहा है ये वाला, और इसके अंदर ये पैंक्रियाज बड़ा हुआ, ये वाला ये पैंक्रियाज की टेल है जिसके अंदर इसके हाइलम के अंदर जा रही है, और पैंक्रियाज के पोस्टीरियरली ये पैंक्रियाज है इसका हेड, ये इसका हेड है, और यहाँ तकरीबन बॉडी स्टार्ट हो जाती है, पेरिटोनियल नहीं उतरी इसलिए नहीं नज़र आ रहा अनसीनियर प्रोसेस वगैरह, लेकिन पोस्टीरियरली इसके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल नज़र आ रही है ये वाली जो इसकी बॉडी के पोस्टीरियरली गुजर रही है। अब जाते हैं स्प्लीन पे, स्प्लीन का ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, सुपीरियर बॉर्डर के बाद यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर का एंड होता है और ये इंटरमीडिएट बॉर्डर स्टार्ट होते हैं, इंटरमीडिएट बॉर्डर, और ये वाला इन्फीरियर बॉर्डर है, ये वाला इसकी है डायफ्रामेटिक सरफेस और ये वाला इसकी है विजरल सरफेस, ये वाली जो विजरा से रिलेटेड है, एंटीर सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर दोनों के दरमियान में आ जाते हैं, ये वाला इंप्रेशन जो है गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, और इंटरमीडिएट बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के दरमियान ये वाला जो इंप्रेशन है ये रीनल इंप्रेशन है, और इसके ये वाला एंटीरो बेसल एंगल है और ये वाला पोस्टो बेसल एंगल है, एंटीरो बेसल एंगल को क्लिनिकल एंगल भी कहते हैं, और एंटीरो बेसल एंगल के थोड़ा सा नीचे ये वाला क्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ द कॉलम है, कॉलिक इंप्रेशन है ये, इसमें बस यही कुछ होता है।